राजधानी दिल्ली में कुत्तों के आतंक का सिलसिला जारी है। ताजा मामला उत्तरी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। बुराड़ी इलाके में पिटबुल कुत्ते ने 1.5 साल की बच्ची पर हमला कर उसको लहूलुहान कर दिया। ये घटना 2 जनवरी की है। पिटबुल के अटैक की वजह से बच्ची 17 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। उसके शरीर में 3 जगह से पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों को 18 टाके लगाने पड़े। परिजनों का आरोप है कि पुलिस शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके उलट पुलिस कुत्ते के मालिक से समझौते का दबाव बना रही है। बच्ची अपने परिजनों के साथ उत्तराखंड कॉलोनी में रहती है। 2 जनवरी की सुबह बच्ची को लेकर उसके दादा जोगेश्वर कुमार मेहता बाहर घूमने निकले थे। वो गोद में थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति उलव्वल विश्वकर्मा अपने पिटबुल कुत्ते को टहलाने के लिए निकला था। तभी अचानक पिटबुल ने बच्ची पर हमला कर दिया और उसके पैर को पकड़कर खींच लिया। काफी देर तक वो बच्ची को नोचता रहा। दर्जनों लोग बच्ची को पिटबुल से छुड़ाने का प्रयास करते रहे। काफी देर तक उसने बच्ची को नहीं छोड़ा। उसके बाद किसी तरह से बच्ची को छुड़ाया गया। आप खुद सुनिए पीड़ित लड़की के परिजनों की जुबानी पिटबुल के अटैक की कहानी। 9:30 बज रहा था। बच्ची को मैं अपने गोद में से घुमा रहा था। उधर से वो लड़का कुत्ते लेके आया और बगल में मैं उधर साइड में खड़ा था। कुत्ते ने ऐसा पहला झटका मारा वो नहीं पकड़ पाया। दूसरे झटके में मैं संभल भी नहीं पाया। इतना तेज झटका मारा कि मेरा बच्ची को मेरे गोद में से खींच लिया। और मैं शुक्र है कि मैंने उसको छोड़ा नहीं। अगर छोड़ दिया होता तो मेरा बच्ची वहीं ख़त्म थी। उसके बाद उस कुत्ते से मुँह से छुड़ाने के लिए पूरा फैमिली, हम लोग A to Z सारा वीडियो है जिसमें हम लोग पूरा फैमिली लगे हैं। तब उसका जबड़ा पकड़ करके खींच करके उस बच्ची से हम लोग को निकाले गए हैं। उस बच्ची को इतना ज़्यादा उसका पकड़ था। और वो उस सब करने के बाद हम लोग फटाफट वहाँ से हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में हम लोग देख लुख सब जो कराएं। पहला बुराड़ी हॉस्पिटल गए। दूसरा वहाँ 2-3 घंटे जांच हुआ। उसके बाद वहाँ से रेफ़र किया हिंदू राव में भी नहीं हुआ। फिर हम लोग राम मनोहर लोहिया गए। वहाँ जब इलाज हुआ तो बच्चे का 3 जगह फ्रैक्चर हो चुका है पैर में। और मतलब 3 दिन लगा उसको खून बंद होने में। बच्ची को 3 दिन बाद खून बंद हुआ है। डॉक्टर से हम लोग बार बार बोले सर देख लीजिए, लेकिन वो बोले नहीं, कुत्ता काटे में हम कुछ नहीं कर सकते, ना टाँका लगाएंगे ना हम कुछ कर सकते हैं। वो हमारे सामने हम लोग खुद 20-25 बोतल पानी लेकर उसको सफाई किए वहाँ पे, और डॉक्टर भी किया। उसके बाद 3-4 दिन बाद बच्ची को जब बोला ये जख्म नहीं भर पाएगा, 4 दिन बाद डॉक्टर ने लाकर टाँका उसको लगाया।